2017 में सिर्फ एक आंख मारने से तहलका मचाने वाली प्रिया प्रकाश वारियर अपनी नई फिल्म श्रीदेवी बंगलो को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवादों में घिर गई हैं। उनकी इस फिल्म में उन्होंने खुद को श्रीदेवी जैसा एक्सप्रेस किया हुआ है, हालांकि वो एक्टिंग बिल्कुल भी श्रीदेवी के जैसी नहीं कर पा रही हैं। और इस ट्रेलर के आखिर में उनको एक बाथ टब में गिरा हुआ दिखाया गया है, अचेत अवस्था में, जो बोनी कपूर को काफ़ी ज़्यादा नागवार गुजरी है बात। और उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ लीगल नोटिस भी चस्पा दिया है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की फिल्म बनाना और बिना उस शख्स के घर वालों की अनुमति लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं उस फिल्म के श्रीदेवी बंगलो के डायरेक्टर का कहना है कि हम इस लीगल नोटिस को झेल लेंगे और देख लेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर लोग उस डायरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक 18 साल की लड़की को श्रीदेवी के रूप में दिखाना गलत है। और लोग प्रिया प्रकाश वारियर को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, उनका कहना है कि एक 18 साल की लड़की अगर अपने बॉलीवुड में पाँव जमाना चाहेगी तो उसको तो जो रोल मिलेगा वो उसको हाथों हाथ लेगी। इसमें गलती फिल्म डायरेक्टर की है कि उनको इस तरह की फिल्म बनानी नहीं चाहिए, और अगर बनानी भी चाहिए थी तो उसमें एक 18 साल की लड़की को नहीं लेना चाहिए था ऐसे रोल के लिए। जाहिर सी बात है 18 साल की प्रिया प्रकाश वारियर से 50 साल की श्रीदेवी का रोल निभाया गया है, जो कि काफ़ी लोगों को नागवार गुजरा है। और इस फिल्म का ट्रेलर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और यहाँ तक कि लोग इस ट्रेलर को 2019 का सबसे ज़्यादा बकवास ट्रेलर करार दे रहे हैं। और यूट्यूब पर इसके लाइक से लगभग 4 गुना से ज़्यादा डिसलाइक हो चुके हैं। ये बात ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि इस फिल्म के ट्रेलर को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हैं। और इस तरह की फिल्में बनाने से कम श्रीदेवी के परिवार से तो अनुमति लेनी ही चाहिए थी, और बोनी कपूर ने लीगल नोटिस भेजकर बिल्कुल सही किया है। खैर, अब जो भी एक्शन होगा, एक बात तो साफ है कि श्रीदेवी बंगलो के डायरेक्टर इसको एक काल्पनिक कहानी कहकर बच जाएंगे, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि उनको ऐसी मूवी देखकर इस तरह के डायरेक्टर का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।